जय माता दी फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल आदमी का न्यूमरोलॉजी आपको दिखाएंगे बताएंगे। उनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन, जो मेगा स्टार है, स्टार ऑफ द मिलेनियम का खिताब उनको मिला हुआ है, सुपर डुपर स्टार हैं। एट द एज ऑफ 82 ही इज़ वर्किंग इन ऑल द फिल्म्स, मतलब 82 की साल की उम्र में जहाँ पे लोग सब कुछ अपना गवा देते हैं, कई लोग तो 82 साल तक जी भी नहीं सकते, वो उम्र में वो अभी सुपर डुपर हिट मूवीज दे रहे हैं अभी भी ये एज में, मतलब ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो उनको काम कर रहा है उनके ऊपर, ऐसे क्या नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी में जो उनको कंटिन्यूसली एनर्जी दे रहे हैं, कंटिन्यूसली उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनके सक्सेस में, उनके ग्रोथ में, उनके हेल्थ में, वेल्थ में, सभी तरह से उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो देखने जाओ तो अमिताभ बच्चन साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 11/10/1942। अभी इनका बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर देखने जाए, जो ड्राइवर कंडक्टर नंबर है वो है 2 और 1। तो हमेशा 2 और 1 का कॉम्बिनेशन जहाँ पे भी आता है वो किसी भी मूवीज़ में या तो आर्ट फिल्म में इंटरनेशनली फेमस होते हैं, नेशनली भी फेमस होते हैं। इंटरनेशनली उनको काफ़ी ऑफर्स आई हुई थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, उन्होंने बॉलीवुड में ज़्यादा अपना प्रभाव रखा है क्योंकि यहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा है। और उनके देखने जाए तो जोड़िया के लिए लीब्रा है वो, जोड़िया उनकी सनसाइन, उसके लिए उनका नंबर 6 भी पावरफुल है। तो 2 और 6 का कॉम्बिनेशन उनको पर्टिकुलरली ये जो बॉलीवुड मूवीज़ इंडस्ट्री है उनमें बहुत ही सक्सेस दे रहा है। सेकंडली देखने जाए तो उनका मूवी जो ब्लॉकबस्टर हुआ था शोले, उसका भी नंबर आप देखो तो नंबर 2 हो रहा है, तो उनका बर्थ नंबर से वो मैच हो रहा है। तो शोले उनका वन ऑफ द वेरी बिग टर्निंग पॉइंट था। सेकंडली उनकी जो डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम है, बेसिकली उनका नाम था इनकलाब श्रीवास्तव, लेकिन उनके फादर ने उनका नाम चेंज करके अमिताभ बच्चन रखा, बिग बी हम उन लोग उनको बोलते हैं प्यार से। सेकंडली देखने जाए तो उनका टर्निंग पॉइंट जो आया था वो था KBC से, कौन बनेगा करोड़पति, उसका टोटल आप देखोगे तो वो भी नंबर 1 हो रहा है। जब उनकी बहुत ही जो कंपनी थी ABCL बहुत ही डूब गई थी, करोड़ों का उनका नुकसान हो गया था, तब उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति स्टार्ट किया शो, उसका भी टोटल 1 हो रहा है जो उनका डेस्टिनी नंबर से मैच हो रहा है। उसके बाद उनको बहुत ही सफलता मिली, टॉप पे चले गए। जब फिर से वो डाउन थे, जब उन्होंने संन्यास ले लिया था मूवी इंडस्ट्री से थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद उन्होंने उनके पास एक भी मूवीज़ नहीं थे, तब उनको मोहब्बत ऑफर हुई थी जो यश चोपड़ा जी की फिल्म थी, उसका भी टोटल आप देखने जाओ तो नंबर 1 था। अब ये सब उनको जब से उन्होंने ब्लू सफायर स्टोन पहनना स्टार्ट किया तब से उनको ये सफलताएं मिलती रही है। तो शनिदेव का उनका प्रभाव बहुत ही अच्छा रहा है और उसी की वजह से, शनिदेव की वजह से उनकी जो फर्स्ट मूवी थी हिट मूवी जंजीर, उसका टोटल देखने जाओ तो नंबर 8 हो रहा है। और उसी मूवी से उनका नाम एंग्री यंग मैन पड़ा था जिसका टोटल भी नंबर 8 हो रहा है। तो शनिदेव उन पर बहुत ही मेहरबान है। तो अमिताभ जी की पेट नेम जो हम बोलते हैं, जो मूवीज़ में ज़्यादातर नाम यूज़ होते हैं, वो है विजय। विजय का टोटल देखने जाओ तो वो भी 1 हो रहा है, अमित का टोटल देखने जाओ तो वो भी 1 हो रहा है। तो आप देखो किसी की भी लाइफ में न्यूमरोलॉजी का प्रभाव कितना ज़्यादा रहता है। नोइंगली अननोइंगली अमिताभ बच्चन साहब ने ये सब अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। कई लोगों को जानी मानी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी न्यूमरोलॉजी पर बहुत ही बिलीव करते हैं। तो आप देखो कि जितना भी वो घर से दूर रहे, इलाहाबाद उनकी या बर्थ प्लेस है, उनको इतना ही ज़्यादा सक्सेस मिला है जितना दूर जाएंगे। कई लोग का ऐसा होता है कि जितना दूर जाते हैं बर्थ प्लेस से उतना सक्सेस ज़्यादा मिलता है। तो ये पूरा आप देखो, अगर एनालाइज करो तो बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर रहा है। और जो भी लिब्रा होते हैं, लिब्रा जिनकी भी जोड़ी एक साइन होते हैं, वो एवरग्रीन एवर यंग दिखने में भी रहते हैं और ऑलवेज काम करने में आगे रहते हैं। लिब्रा कोइंसिडेंटली रेखा जी की भी जोड़ी एक साइन है, हेमा मालिनी जी की भी जोड़ी एक साइन है। तो देखो तो वो सब नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, अभी भी उनकी उनका जो निखार है वो बढ़ता ही जा रहा है एज़ पर देयर एज। अमिताभ बच्चन साहब की भी जो आप देखो कि प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलैरिटी, जो भी उनकी फेम है, बढ़ती जा रही है एज़ पर हिज एज। तो हम तो चाहेंगे कि भगवान उनको ब्लेस करें और भी ज़्यादा जिए, 100+ जिए। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। आप उनको फॉलो करो और इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमको कभी भी मैसेज कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी में मुझे पता है कई कस्टमर्स राह देख रहे हैं, मेरी वेट कर रहे हैं,
उनसे मैं क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी टाइम निकल गया है, थोड़े ही दिनों में मैं स्टार्ट कर दूँगा न्यूमरोलॉजी, तो आपको करना है न्यूमरोलॉजी तो आप मुझको व्हाट्सएप कर सकते हो, और इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कभी भी व्हाट्सएप करो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।